दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो भी बीए फर्स्ट ईयर के हैं और उनकी आने वाले दिनों में सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा है और उनका सब्जेक्ट हिंदी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिंदी से जुड़े बहुत सारे प्रश्नों का आंसर जानेंगे और आपको आइडिया लगेगा कि आपकी परीक्षा जो भी सेकेंड सेमेस्टर की हो रही है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और उनको कैसे हल करना है। कुल मिला के ए टू जेड आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में जो आप जानना चाह रहे हैं। तो बस आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है जिससे जो मैंने हार्ड वर्क की है आपको जानकारी बताने के लिए वो पूरी तरह सफल हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। तो पूरी बात आप लोगों को पहले मैं बता दूं कि लास्ट तक एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो पीडीएफ है वो नई शिक्षा नीति पे आधारित है, ठीक है। पूरी की पूरी गवर्नमेंट के द्वारा जो दिशा निर्देश नियम कानून बनाए गए हैं उसी की पीडीएफ है, कोई ये मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है, गवर्नमेंटेड है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, आप सभी को मालूम है। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालय हेतु तो न्यूनतम एकीकृत पाठ्यक्रम स्नातक पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों के सेमेस्टर वार प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोग पहले मेन पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा वर्ष, यहाँ पर लिखा सेमेस्टर, यहाँ पर लिखा कोर्स कोड, यहाँ पर लिखा प्रश्न पत्र का शीर्षक, यहाँ पर लिखा है कि लिखित होंगे या प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, यहाँ पर लिखा क्रेडिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहले बीए प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर आप सभी का हो ही चुका है और जो प्रथम सब्जेक्ट था, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर था उसकी जो प्रश्न पत्र था वो हिंदी काव्य था, यानी कि आप सभी का जो फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी का पेपर हुआ है वो हिंदी काव्य का हुआ है, ठीक है, और भी लिखित हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है बीए प्रथम वर्ष, ठीक, प्रथम वर्ष और सेमेस्टर में द्वितीय, यानी आपकी परीक्षा होने वाली है द्वितीय सेमेस्टर की, ठीक है, उसके लिए बात हो रही है। तो द्वितीय सेमेस्टर पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर द्वितीय सेमेस्टर लिखा है, कोर्स कोड लिखा है और आपकी जो हिंदी की परीक्षा होने वाली है उस सब्जेक्ट का नाम है, सेकेंड सेमेस्टर में आपकी हिंदी की परीक्षा होने वाली है उसका नाम है, यहाँ पर प्रश्न पत्र देख लीजिए लिखा है कि कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, यानी कि जब आपकी जो परीक्षा होने वाली हिंदी की वो जो सब्जेक्ट है प्रश्न पत्र है वो कार्यकालीय, ठीक है, हिंदी और कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और परीक्षा आपकी लिखित होगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आपकी परीक्षा लिखित होगी। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर लिखित परीक्षाएं होने वाली हैं। फिलहाल और अधिक जानकारी हम आपको आगे भी वीडियो में बताएंगे। बीए तृतीय वर्ष में या द्वितीय वर्ष में तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा, हालांकि जब आप द्वितीय वर्ष में जाएंगे तब की बात है, इसको हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं, जब भी आप द्वितीय वर्ष में जाएंगे तब हम फिर से बताएंगे आपको, लेकिन अभी सेकेंड सेमेस्टर के लिए हम आपको जानकारी दें। यहाँ पर लिखा है कि जहाँ जहाँ पर ये जो रूल्स है जो भी इन्होंने नियम कानून बनाया है जिसकी अध्यक्षता में उनके नाम है, यहाँ पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी शकुंतला, ठीक है, मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, डीएवी कॉलेज कानपुर, तो इन सभी के माध्यम से ये जो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है या पूरा आप लोग कह सकते हैं कि अध्यक्षता में ये पूरा शेड्यूल है, ये जो सिस्टम है वो बनाया गया है हिंदी का, ठीक है। और यहाँ पर मेन बात आप लोग को ध्यान देने वाली ये है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लिखा है कि विद्यार्थी को भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हिंदी साहित्य एवं हिंदी, ठीक है, हिंदी साहित्य एवं भाषा का आधारभूत ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है, इसके अंतर्गत जो आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। और मेन पॉइंट यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर लिखा है कि जो आपकी परीक्षा हो चुकी है प्रथम सेमेस्टर की तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में, हालांकि ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं, पेपर भी दे चुके हैं, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। हम आते हैं सेकेंड सेमेस्टर पे। यहाँ पर लिखा है कि बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी के विद्यार्थी को कार्यालय के कार्यों की मूलभूत जानकारी प्रदान करना ताकि वो कार्यालय यानी कि ऑफिस में समस्त कार्यों को, ठीक है, सुगमतापूर्वक कर सकें, उन्हें कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान देकर कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने में सक्षम बनाना ताकि वे समुचित रोजगार प्राप्त कर सकें। जो ये सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है और फर्स्ट सेमेस्टर की आपने परीक्षा दे दी है, सेकेंड सेमेस्टर की जो परीक्षा होनी है वो आपका जो
पेपर है वो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का है, यानी कि जब भी आपकी परीक्षा हिंदी की होगी सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें कार्यालय यानी कि ऑफिस से जुड़े और ठीक है ऑफिस से जुड़े और कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, ऑफिस से जुड़े, कार्यालय से जुड़े क्वेश्चन हिंदी के और कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिससे आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। अगर आप किसी भी जॉब आपको प्राप्त हो रही है या फिर आपको इसके माध्यम से मिलेगी, तो उस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए यह प्रश्न पत्र सेकेंड सेमेस्टर में लागू किया गया है, तो इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को जल्द ही इसकी फुल क्लास, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन तो आप सभी को मैंने बता दिया कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर लिखित परीक्षा होगी और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, ये आप अपनी यूनिवर्सिटी से कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रश्न और उत्तर जल्द ही हम आप लोगों के समस्त पेश करेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जो प्रथम सेमेस्टर हुआ उसमें हिंदी काव्य से जुड़े क्वेश्चन आए थे, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन बैंक है, सीरीज है, आ गई है, तो जल्द से जल्द उसे आप लोग परचेज कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यह भी लिखा है कि सेकेंड सेमेस्टर में थ्योरी, ठीक है, और कंप्यूटर, ठीक है, कंपलसरी है, ठीक है, ये आपको बताया गया थ्योरी है और ये जो सब्जेक्ट है कंपलसरी भी है, और यहाँ पर कार्यालय हिंदी का कंप्यूटर का आपका सब्जेक्ट होगा और इसमें इसी प्रकार की जानकारी दी गई है सेकेंड सेमेस्टर से जुड़ी, ठीक है। तो मुख्य बात यह है कि आप लोगों की जो परीक्षा है वो जल्द होने वाली, कई यूनिवर्सिटियों ने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया कि हम परीक्षाएँ जल्द कराएंगे और कई यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि हम जल्दी इसका स्कीम है वो जारी करेंगे। फिलहाल हम जो क्लासेज है वो एक ही दो दिन में प्रारंभ करने वाले हैं, तो आप लोग डेली क्लासेज को ज्वाइन करिएगा। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हिंदी में कोई भी फेल नहीं कर सकता अगर आप हमारी डेली क्लासेज को ज्वाइन करेंगे, 100% श्योर है। आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी आपको कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, पूछ सकते हैं, ठीक है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।